दिल्ली में कल 4,321 पॉजिटिव केस पाए गए, जो कि 60,000 से ऊपर टेस्ट किए गए थे। जो हमारी टेस्ट की पॉजिटिविटी रेशियो है वो 7.19 आ रही है। अभी हमारे देश में जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो भी 8% से ऊपर आ रही है, तो उसके आसपास ही चल रहा है। और जो डेथ रेट है कल की, कल 28 लोगों की डेथ हुई है, दैट इज 10 दिन की अगर एवरेज निकालते हैं पिछले 10 दिन की, तो वो 0.68% आ रही है। पहले वैसे जो ओवरऑल लगाते हैं तो 2.2 थी, तो पिछले 10 दिन में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वैसे तो काफ़ी बेड्स हैं, पर आईसीयू बेड्स अभी थोड़ी सी दिक्कत आने चालू हुई है। तो कल दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 33 जो बड़े हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू के ज़्यादा बेड हैं, उन हॉस्पिटल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई, उनको आदेश दिया गया है कि 80% ऑफ द आईसीयू बेड्स, जो उनके यहाँ पर जितने भी आईसीयू बेड्स हैं उसका 80% कोविड के लिए रखना होगा, 20% बाकी चीज़ों के लिए रख सकते हैं। और जो अगर ऑक्यूपाइड बेड हैं तो खाली होने के बाद वो उसमें आ जाएंगे, और जो खाली है वो तुरंत प्रभाव से इसके अंदर लागू होगा। साथ ही साथ हमने हॉस्पिटल्स को 30% जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको 30% जो कोविड का इलाज कर रहे हैं 30% तक बेड बढ़ाने का आदेश दिया है, कि वो चाहें तो 30% तक बेड बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो किसी हॉस्पिटल के 100 बेड सेंक्शनड हैं तो वो 130 तक कर सकता है, जिसके 200 हैं तो वो 260 कर सकता है, जिसके 500 है तो वो 650 बेड भी कर सकता है। और जो नए बेड होंगे सारे के सारे वो कोविड के लिए यूज़ किया है इसके। सर, अब आपको बेड बढ़ाने की फिर से जरूरत महसूस हो रही है, जो कोविड देखिएगा, के सेंटर जो बंद किए गए थे क्या उन्हें भी चालू किया जाएगा फिर से? नहीं देखिएगा, बेड का ना आईसीयू बेड्स की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और हो क्या रहा है कि आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल तो हैं, बट क्या होता है कि पर्टिकुलर चॉइस वाले हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, तो इसलिए जो जहाँ पर ज्यादा डिमांड है उन हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। या फिर 33 अस्पताल कहा, 33 बड़े अस्पताल, ये सरकारी प्राइवेट दोनों? ये प्राइवेट के लिए किए गए हैं, ये प्राइवेट अस्पताल सारे सारे प्राइवेट है, सारे प्राइवेट अस्पताल है, सारे के सारे प्राइवेट है। इसके पहले एक आदेश जब दिया गया था पहले 25% बेड आरक्षित करने के लिए, तो इनको क्या आदेश जारी हो चुके हैं? आदेश जारी हो चुके हैं, कल आदेश दे दिए गए, कल आदेश जारी कर दिए गए। 80% आईसीयू बेड्स, जितने बेड्स हैं उसका 80% जो आईसीयू के बेड हैं उनको कोविड के लिए रिजर्व किया गया है नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए। जो नॉर्मल विदाउट कोविड पेशेंट रहेंगे, जो कि काफी मरीजों की भी डेथ हुआ, मलेरिया का भी समय बीच में है, उससे भी पैसे काफी दिखने लगे, ऐसे मरीजों के लिए क्या सरकार की व्यवस्था? नहीं देखिए, हॉस्पिटल्स का हमने पता किया था अभी कोविड के लिए तो बेड्स की ज़्यादा डिमांड है, बाकी हॉस्पिटल में काफ़ी बेड्स खाली हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। ज़्यादा टेस्ट आप करवा रहे हैं और मामले भी दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, 4,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं रोजाना, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बेड्स की कमी हो सकती है और दोबारा अस्थायी इंतजाम करने पड़ सकते हैं, जैसे बैंकेट हॉल या फिर अस्पतालों के बाद होटल को अटैच किया गया था? देखिएगा, मैंने बताया ना, अभी भी हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है, 50% से ज़्यादा बेड अभी खाली है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स की दिक्कत आ रही है, इसलिए देखिए मैं आपको बताऊँ, 14,372 बेड हैं दिल्ली में कोविड के, जिसमें से 7,938 इस टाइम मैं लाइव ऐप के ऊपर देख रहा हूँ, अभी भी 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। परंतु क्योंकि आईसीयू बेड्स के लिए ऐसा ना हो कि आईसीयू इमरजेंसी की जरूरत होती है उस टाइम पर दिक्कत ना हो, इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ आईसीयू बेड्स का क्या हाल है? सफिशियंट है, अभी भी काफ़ी जगह पर अवेलेबल हैं, और केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी आईसीयू बेड अभी अवेलेबल है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग खत्म हो गए थे, इसलिए कल उसको बढ़ाया जा रहा है। सर, सीरो सर्वे कराया था, रिपोर्ट थोड़ा समय लगेगा उसको, देखिएगा स्टडी करने में, उसको सारा साइंटिफिक सिस्टम होता है, टाइम लगता है। साथ ही साथ पहले ये देखा था कुछ प्राइवेट अस्पतालों को दिक्कत भी थी, क्या ये आदेश जारी करने के बाद किसी को कोई दिक्कत है कि आरक्षित करने को लेकर उन्हें आपत्ति हो? नहीं, कल मैंने खुद सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, सबको बताया था कि क्योंकि ऐसे टाइम थे कि जिस टाइम पेंडेमिक चल रहा है तो सबको मिलकर सहयोग करना होगा, और देर पर आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है, 28 देखिए मौत का ना, देखिए परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के अंदर 2.2% अभी तक का टोटल एवरेज निकल डेथ रेट है, अगर पिछले 10 दिन का देखा जाए तो 0.68 है, वो काफ़ी कम है, 1/3 से भी कम है। लेकिन आंकड़ा जुलाई में 15-20 के हर दिन हुआ करता था। देखिए ऐसे एग्जैक्ट नंबर के ऊपर चला तो किस दिन 22 आते हैं, किस दिन 30 आते हैं, किस दिन 32 आते हैं, किस दिन 25 आते हैं, तो वो तो एग्जैक्ट नंबर तो फ्रीज करना बड़ा मुश्किल है।
दिल्ली में मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और तमाम छूट भी मिलते जा रही है, क्या मिनी लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी स्थिति में दोबारा लौटना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है। आज हमारे को इतना एक्सपीरियंस लॉकडाउन के बाद मिल चुका है कि जो जो भी इसको रोकने के तरीके हैं, साधन हैं, सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो मास्क है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन कीजिएगा और मास्क लगाइए। कुछ लोगों ने देखो पीछे क्या हुआ, मास्क लगाना ही बंद कर दिया था, अब फिर से उसके पूरा बयान चला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का IVR सभी लोगों को दिल्ली में किया जा रहा है, FM पे भी कर रहे हैं, एड भी दे रहे हैं, तो उसको बड़े अभियान की तरह हम बता रहे हैं, हर माध्यम से बता रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइएगा। अगर आप किसी के भी कॉन्टेक्ट में आते हैं, किसी से बात करते हैं, तो मास्क जरूर लगाइए। दिल्ली में फिलहाल दिल्ली के लोग जो है अनलॉक के बाद बाहर निकले हैं, बाहर से आने वालों की स्थिति का कोई आंकड़ा है क्या? देखिएगा, बाहर से आने वालों का अलग से आंकड़ा नहीं है, परंतु काफी बड़ी संख्या बाहर से लोग आए हैं, वो भी इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब अनलॉक और ज्यादा आगे बढ़ेगा, फेज में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, बाहर से भी लोग दिल्ली में आएंगे, ऐसी स्थिति के लिए तैयार? देखिए, अब तो दिल्ली में आने वाली ट्रेन भी चल रही है, एयर भी चल रहा है, बसें भी चल रही हैं, तो अब तो कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर से आने वालों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है। लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन जैसे रह गई हैं, स्कूल कॉलेजेस और सिनेमा हॉल्स वगैरह रह गए हैं। और मुझे लगता है कि अब जो एक बार इम्पैक्ट आना था, अनलॉक का जो इम्पैक्ट आना था, वो इस टाइम चल रहा है, और ये पूरी आशा करते हैं कि 10-15 दिन के अंदर ये काफी कम हो जाना चाहिए। तो बार बार इस बात का जताई जा रही है कि कोविड जो है वो रिपीट हो सकता है, जो नंबर्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इस पर आपका? अभी तक देखिएगा, ऐसा कोई कंक्रीट एक भी केस सामने नहीं आया जिसको दोबारा से कोविड हुआ हो। हाँ, ऐसा जरूर है कि आप कोविड से इन्फेक्ट हुए, 10-12 दिन में आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, पर वायरस आपके शरीर में रह सकता है। 1-1.5 महीने तक आपके स्टूल में वायरस आता है। कई बार अगर आप टेस्ट करें, महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, उसका डेड जो वायरस होता है उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। परंतु इसको ये कहना कि भी दोबारा से इन्फेक्ट हुआ, अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने कोई भी केस कंफर्म नहीं किया है कि एक आदमी जो एक बार इन्फेक्ट हुआ है और वो दोबारा से रिसेंटली कोई दोबारा से हुआ हो। देखिएगा, ये तो कोई भी बीमारी अगर शरीर के साथ है तो दूसरी बीमारी होगी तो थोड़ा मुश्किल तो ज्यादा होगी। सर, कुछ एक्सपर्ट्स की राय क्या आपके पास भी आई है कि टेस्टिंग बढ़ने की वजह से लोगों में कोरोना का डर है, टेस्टिंग खत्म कर दो कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या ये ऐसी सलाह आपके पास? नहीं, हमारे को ये सलाह दी गई है कि जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे इसको कंटेन करने में मदद मिलेगी। इसका रीजन है कि अगर आप हैं, जैसे आपका टेस्ट किया, आप पॉजिटिव हैं और सिम्टम नहीं है, तो अगर टेस्ट करते हैं, टेस्ट में आप मिल जाते हैं, तो आपको हम आइसोलेट कर सकते हैं, घर में आप रहेंगे तो 4 लोगों को और नहीं कर पाएंगे। अभी रजत हैं जो मेरे साथ रहते हैं, अब उनका टेस्ट कल हुआ और रेगुलरली में हुआ तो वो पॉजिटिव आ गए, तो अब उनको आइसोलेट कर दिया गया है, तो कम से कम वो अगले 10 दिनों में 10 लोगों को और नहीं करेंगे। तो 10 लोगों को ना कर पाए, इसलिए बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को ढूंढा जा रहा है, नंबर इस टाइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परंतु डेफिनेटली ये इसको कंटेन करने में बहुत मदद करेगा। तो जिम खोलने को लेकर क्या सरकार की तरफ से स्थिति है, सरकार चाहती है जिम? देखिए, आप तो जो नेक्स्ट मंथ होगा उसी में फैसला होगा। सर, एक वो रेलवे किनारे झुग्गियों को लेकर काफी 50,000 झुग्गियां हटाने के लिए कहा गया है, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को रेगुलेट, 3 महीने का टाइम सिर्फ है उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। सर, वन विभाग भी अच्छी कार्रवाई कर रहा है, दिल्ली सरकार के वन विभाग ने कल कुछ झुग्गियां तोड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है? यानी कल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है इसी से रिलेटेड, तो कल उसमें बात की जाएगी।